शादी के शुरू में तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें अनशा अच्छी लगने लगी है, और अब तुम्हें उसमें इतनी बुराइयां, इतनी खामियां दिखाई देने लगी हैं। क्या हो गया, क्या चाहते हो तुम? अम्मी, वो अनशा मेरे टाइप की नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म क्यों आनी चाहिए? ऐसा मैंने क्या कह दिया आपसे? क्या कह दिया? तुम्हें पता भी है कि तुम कह क्या रहे हो? अरे भाभी को क्या जवाब दूंगी मैं? अम्मी, आपकी बात मानकर जल्दबाजी में मैंने ये शादी की है, आप अच्छी तरह से जानती हैं ये। देखो, ये जो फजूल बातें तुम कर रहे हो ना, ये प्लीज बंद करो और मुझे सच सच बताओ, किसी और लड़की का चक्कर है ना? हाँ, किसी और को पसंद करने लगे हो तुम? शहरयार, मैं पूछ रही हूं तुमसे, मुझे जवाब दो। हाँ, मैं किसी और को चाहता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। क्या? और अंशा? अम्मी, अंशा से मैंने आपकी जिद में शादी की है। आप ही ने तो कहा था कि वो मानी उसको लेकर पता नहीं परेशान हो रही है, उसको डिप्रेशन हो रहा है, तो मुझे लगा कि उससे कोई शादी नहीं कर रहा, मैं तरस खा के उससे शादी की। लेकिन अम्मी, मुझे लगता है कि सीरत के साथ साथ सूरत का होना बहुत जरूरी है, कि वो आपके साथ चले तो कम से कम। बस, एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारे मुंह से इसके बारे में। चुप कर जाओ, कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। शहरयार, अच्छा हुआ तुम्हें हकीकत का पता चल गया, ये रोज रोज का ड्रामा मुझसे हो भी नहीं पा रहा था। तरस खाकर मुझसे शादी की और मैं इस तरस को मोहब्बत समझ बैठी। क्या करती, यकीन भी तो करना था ना आप पे। कौन करता तुमसे शादी बताओ, कौन करता तुमसे शादी? इतनी हकीर नहीं हूं मैं शहरयार, जितना तुम मुझे समझते हो। ये सब कुछ जो मैं करती थी ना, उसकी वजह मोहब्बत थी जो मुझे तुमसे थी। इसे तो मेरी कमजोरी और भीख समझ बैठे। तुम क्या, मैं तो तुम्हारे रहम को मोहब्बत समझ बैठी थी। मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी, मैं एक सेकंड भी यहां नहीं रह सकती। मैं जा, अगर मैं ऐसी हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? और अगर आप ऐसे हैं तो इसमें आपका क्या कमाल है? क्या आपने खुद को बनाया? रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए, कोई दर ये जिंदगी।